बाना प्रेम जाल में फंसाकर महिला ने युवक से लूटे लगभग 40 लाख रुपए। फेसबुक के जरिए हुए प्यार में पागल युवक ने अपनी सारी कमाई की प्रेमिका के हवाले। महिला राहिला बेगम का सच जान बौखलाए युवक ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट। एक सराफा व्यवसायी भी राहिला के प्रेम जाल में लुट कर चुका है। आत्महत्या अखबार में खबर पर लखनऊ के युवक ने कराया मामला दर्ज। महिला का पति वे भाई गिरोह बनाकर लोगों के साथ करते हैं लूट। युवक को परिजनों से शिकायत करने पर मिली झूठे मुकदमे में फंसाकर बर्बाद करने की धमकी। सरापा व्यवसाय की आत्महत्या मामले में जेल गई राहिला जमानत में थी। बाहर पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को फिर जेल भेजा। कोतवाली नगर के जरेली कोठी की रहने वाली है राहिला बेगम। बांदा से राधे श्याम गुप्ता की रिपोर्ट। एक महिला जो अभी एक सराफे के वाले व्यक्ति को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, उससे काफ़ी पैसा उसने ऐंठा था और पैसे मांग रही थी। इस बात से क्षुब्ध होकर व्यापारी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसको उसको जेल भेजा गया था। एक दूसरा प्रकरण आया है जिसमें एक उसी कम्युनिटी के व्यक्ति ने उससे फेसबुक पे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद वो उसके साथ काफ़ी निकट आ गया। बाद में उसको पता चला कि उससे शादीशुदा है, लेकिन जो कि उसके पास तमाम आपत्तिजनक तस्वीरें और फ़ोटो थी, उसने उससे बहुत सारा पैसा लगभग 30 से 40 लाख रुपए ले लिया, अपने खाते में डलवा लिए। इस बात के प्रमाण मिले हैं, इस बात पे उसको जेल भेजा गया है। सर क्या मतलब इनका कोई रैकेट वगैरह है, कहाँ कैसे कुछ और भी लोग हैं जिनकी तलाश? अब तक 2 प्रकरण सामने आ चुके हैं। निश्चित रूप से कोई ना कोई इसमें रैकेट होगा, जिसे पूरी तरह से जाँच करके इसका पर्दाफाश किया जाएगा। जो भी इसमें और सम्मिलित लोग होंगे उन्हें भी जेल भेजा जाएगा।